जानते हैं जो व्यक्ति बहुत थोड़ा सा भोजन करते हैं उसके अंदर ये गुण हो जाते प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कम खाता है उसको कई प्रकार के गुण प्राप्त होता है। आपने कभी सुना होगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है उसका निंदा किया जाता है, समाज में उसका अपमान हो जाता है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा खाता है, इस प्रकार लोग बातें करते हैं। इसलिए भोजन करने जब भी बैठे, पहली बात तो भोजन और भजन सदैव पर्दे के अंदर ही होना चाहिए। आप भोजन करें तो कोई आपको देखे ना, और भजन करें तो भी कोई आपको देखे ना, इस प्रकार से भोजन और भजन को करना चाहिए। लेकिन आप कोशिश करिएगा जब भी आप भोजन करें, जहाँ पर आप बैठ कर के भोजन करें एकांत हो, लेकिन जब भी सामाजिक कार्यक्रम में आप जाते हो, किसी के शादी विवाह पर जाते हो, तो वहाँ अधिक भोजन मत करिएगा। देखो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है उसको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है। अगर व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होता है तो अपने जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाता है। इसलिए भोजन को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति कम भोजन करता है उसके अंदर ये 6 गुण उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि भोजन करें तो थोड़ा सा कम करें, शरीर को फिट रखना भी ज़रूरी है। जो व्यक्ति थोड़ा सा दुबला पतला होता है, जिसका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, वो कुछ भी कर सकता है, काम भी कर सकता है, जल्दी थकान भी नहीं होता और वो संघर्ष भी कर सकता है। कम भोजन करने से आरोग्यता प्राप्त होता है, कम भोजन करने से आयु प्राप्त होता है, कम भोजन करने से सुख मिलता है, कम भोजन करने से बल की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति कम भोजन करता है उसके संतान भी सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन के बारे में बताया गया। अगर इस प्रकार जो भोजन करता है वो सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अधिक भोजन करने से समाज में निंदा होता है, अधिक भोजन करने से आयु आरोग्यता का नाश हो जाता है, अधिक भोजन करने से पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए भोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, कैसे भोजन करें, कैसा आहार करें। जब आहार भोजन शुद्ध रहेगा, सात्विक रहेगा, तब विचार भी अवश्य ही सुंदर रहेगा। प्यार से बोल दीजिए ना काल की। देखिए आज हम जानते हैं जो व्यक्ति बहुत थोड़ा सा भोजन करते हैं उसके अंदर ये गुण हो जाते प्राप्त हो जाते।